दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। रोहित ने दो दो तूफानी खिलाड़ियों को किया बाहर। यशस्वी ईशान के बाद एक और दमदार खिलाड़ी करेगा डेब्यू। पूरी दुनिया देखेगी इस खिलाड़ी का जादू। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के पहले मुकाबले को भारत ने पारी और 141 रनों से अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने इस सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली। अब इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 जुलाई से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए रोहित शर्मा ने पहले ही प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि रोहित शर्मा ने विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करते हुए दो दो खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया है। कौन से दो खिलाड़ी हुए टीम से बाहर? आमतौर पर जीत के बाद प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं किए जाते, लेकिन इस बार भारतीय टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 में बदलाव कर दिए हैं और उन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो मैच विनर खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने का फैसला किया है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है ये दो खिलाड़ी और क्यों किया गया है इनको बाहर और कैसी है दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11। ओपनिंग फिर होगी दमदार। पिछले मुकाबले में टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने की थी। दोनों ने ही दमदार शतक लगाए थे। ऐसे में एक बार फिर से ये दोनों खिलाड़ी ही भारत की पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पर खेलेंगे शुभमन गिल। जीतेंगे सभी का दिल। पिछले मैच में शुभमन गिल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन वो कोई खास कमाल नहीं कर पाए। ऐसे में दूसरे मैच में भी गिल नंबर 3 पर ही खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस बार गिल रनों की बारिश करना चाहेंगे और एक दमदार शतक लगाना चाहेंगे। नंबर 4 पर खेलेंगे विराट कोहली। विराट कोहली नंबर 4 पर आएंगे और पोर्ट ऑफ स्पेन में शतक लगाएंगे। पिछले मैच में विराट कोहली ने 76 रनों की पारी खेली थी। ऐसा लग रहा था कि कोहली के बल्ले से हमें एक और शतक देखने को मिलेगा, लेकिन वो 76 रनों के स्कोर पर आउट हो गए। ऐसे में दूसरे मुकाबले को विराट कोहली यादगार बनाना चाहेंगे और पोर्ट ऑफ स्पेन में शतक लगाना चाहेंगे। नंबर 5 पर खेलेंगे अजिंक्य रहाणे। पहले मैच की तरह वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। रहाणे से भी इस मैच में बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में अजिंक्य रहाणे जल्दी आउट हो गए थे। नंबर 6 पर खेलेंगे ईशान किशन। ईशान किशन दूसरे टेस्ट मैच में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। पहले मैच में उन्हें बहुत ज्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। उन्होंने सिर्फ एक ही रन बनाया था और कप्तान रोहित शर्मा ने पारी घोषित कर दी थी। ऐसे में दूसरे मुकाबले में ईशान किशन अपने बल्ले से छाप छोड़ना चाहेंगे। नंबर 7 पर खेलेंगे अश्विन। अश्विन ने पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 5 विकेट हॉल अपने नाम किया। पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट चटकाए तो दूसरी पारी में उन्होंने 7 बल्लेबाजों का शिकार किया। ऐसे में अब अश्विन दूसरे मुकाबले में भी अपनी फिरकी के फंदे में कैरेबियाई बल्लेबाजों को फंसाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अश्विन दूसरे टेस्ट मैच में भी दम दिखाना चाहेंगे और एक बार फिर से 5 बल्लेबाजों का शिकार करना चाहेंगे। नंबर 8 पर खेलेंगे अक्षर पटेल। जी हाँ, दूसरे टेस्ट मैच में आपको जडेजा की जगह अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि वो दूसरे टेस्ट मैच में ऐसे खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में कम मौके मिलते हैं। ऐसे में दूसरे टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा टीम से बाहर जाएंगे और अक्षर पटेल उनकी जगह पर प्लेइंग 11 में आएंगे। तेज गेंदबाजी में भी होगा बड़ा बदलाव। टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच के लिए तेज गेंदबाजी में भी बदलाव का मन बना चुकी है। उन्होंने मोहम्मद सिराज और जयदेव उनादकट को तो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया है, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में शार्दुल ठाकुर की जगह आपको मुकेश कुमार खेलते हुए दिखाई देंगे। मुकेश कुमार पोर्ट ऑफ स्पेन में अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए कैसी है भारत की प्लेइंग 11। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे, तो नंबर 3 पर खेलेंगे शुभमन गिल। नंबर 4 पर एक बार कोहली फिर से विराट पारी खेलना चाहेंगे। अजिंक्य रहाणे नंबर 5 पर आएंगे, तो नंबर 6 पर खेलेंगे ईशान किशन। नंबर 7 और नंबर 8 पर होंगे रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल। ये दोनों खिलाड़ी स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी निभाएंगे। इसके अलावा तेज गेंदबाजों की बात करें तो जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार बतौर तेज गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देंगे। वैसे आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन ने डेब्यू किया था और दूसरे टेस्ट मैच में मुकेश कुमार आपको अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में दूसरे टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है,
रोहित शर्मा का ये फैसला कितना सही है कि रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 से बाहर करो और अक्षर पटेल और मुकेश कुमार को दूसरे टेस्ट मैच में खिलाओ। आपको क्या लगता है, क्या रोहित का ये फैसला सही है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।